नमस्कार, मैं अर्चना राय, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम को देखते हुए तो लगता है कि ये कोई देश होगा, परंतु यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश ये है ही नहीं। क्या आपने क्रिकेट के अलावा वेस्ट इंडीज का नाम किसी और खेल में सुना है? नहीं ना। लेकिन यह कैसे संभव है कि बिना देश वाली कोई क्रिकेट टीम कैसे बन सकती है? आपने ध्यान दिया होगा कि वेस्ट इंडीज का झंडा भी किसी देश का झंडा नहीं है, बल्कि क्रिकेट को ही प्रदर्शित करता है। वेस्ट इंडीज असल में कोई देश नहीं है, बल्कि ये कई द्वीपों का समूह है जो कैरिबियाई सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करते हैं। वेस्ट इंडीज के अंतर्गत तीन मुख्य द्वीप समूह आते हैं, जिनके नाम बहामास, ग्रेटर एंटिलेस और लेसर एंटिलेस है। इनका नाम वेस्ट इंडीज कोलंबस के कारण पड़ा। 1492 में जब वह बहामास द्वीप समूह पर पहुंचा तो उसने इस द्वीप समूह को इंडीज कहा, क्योंकि उसे लगा कि वह दक्षिण पूर्व एशिया पहुंच गया है। जब कोलंबस को अपनी गलती का ज्ञान हुआ तो उसने इसे दक्षिण एशिया से अलग करने के लिए वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। वर्तमान में इन्हें कैरिबियन के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट इंडीज संघ, जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन ऑफ द वेस्ट इंडीज के रूप में भी जाना जाता है, एक अल्पजीवी कैरिबियन संघ था जो 3 जनवरी 1958 से लेकर 31 मई 1962 तक अस्तित्व में रहा। इसमें यूनाइटेड किंगडम के कई कैरिबियन उपनगर शामिल थे। संघ का अभिव्यक्त उद्देश्य राजनीतिक इकाई का निर्माण करना था, जो कि ब्रिटेन से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में होता था। संभवतः कनाडाई महासंघ, ऑस्ट्रेलियाई संघ या केंद्रीय अफ्रीकी संघ के समान होता। हालांकि ऐसा होने से पहले ही आंतरिक राजनीतिक संघर्ष के कारण यह संघ ध्वस्त हो गया। वेस्ट इंडीज संघ की कुल आबादी 3 से 4 मिलियन के बीच थी, जिसमें पश्चिम अफ्रीकी मूल के अश्वेत लोगों की संख्या अधिक थी। अल्पसंख्यकों में उपमहाद्वीप के भारतीय, यूरोपीय, चीनी और कैरिब्स शामिल थे। वहां मिश्रित वंश की एक बड़ी आबादी भी मौजूद थी, लेकिन अफ्रीकी भारतीय, यूरोपीय भारतीय और मिश्रित चीनी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। धर्म के संदर्भ में बड़ी संख्या में कैथोलिक और कुछ हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा सबसे ज्यादा आबादी प्रोटेस्टेंट की थी। सभी द्वीपों की जलवायु गर्म और आर्द्र मौसम के साथ उष्ण कटिबंधीय है। हालांकि बड़े द्वीपों में अंतर्देशीय क्षेत्रों में अधिक समशीतोष्ण जलवायु है। वर्तमान में इस संघ को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसके सभी द्वीप कैरिबियन के भीतर और चारों ओर हैं। यद्यपि सिर्फ त्रिनिदाद दक्षिण अमेरिकी तट से दूर स्थित है और उसी महाद्वीप पर स्थित है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में एक सागर है, कैरिबियन सागर, जो कि मेक्सिको के पूर्व में है। इस कैरिबियन सागर में कई छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, जिन्हें कैरिबियन द्वीप कहते हैं, जिनमें कई स्वतंत्र देश भी हैं। इन्हीं द्वीप समूह में 15 ने मिलकर वेस्ट इंडीज संघ का निर्माण किया था, परंतु ये संघ सिर्फ 1958 से 1962 तक ही चला। इस तरह इन्हीं 15 देशों से वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम का चुनाव किया जाता है। इनमें से एक प्रमुख द्वीपीय देश है जमैका। यहाँ के उसेन बोल्ट को कौन नहीं जानता, जो कि एक अलग ही देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा अन्य देश हैं बाराबाडोस, सेंट लूसिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, आइलैंड्स आदि। वर्तमान में इस संघ को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसके सभी द्वीप कैरिबियन के भीतर और चारों ओर हैं। यद्यपि सिर्फ त्रिनिदाद दक्षिण अमेरिका से दूर स्थित है। अतः क्रिकेट ने इस संघ के समाप्त हो जाने के बाद इन देशों को आपस में जोड़ रखा है, और ये देश नहीं बल्कि क्रिकेट संघ के नाम पर एकजुट है। इसी कारण क्रिकेट मैच से पहले जहां सभी देशों का राष्ट्रगान बजाया जाता है, वहीं वेस्ट इंडीज का क्रिकेट गान बजाया जाता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।